तो भाई फाइनली आ गए अपन एयरपोर्ट। बैग पक्का पैक हो गई है। इस वाली बैग में वैसे भी कपड़े रखते हैं, लेकिन अभी और भी थोड़े कपड़े आएंगे। ये सब करते करते हवा निकल गई, क्योंकि सारा काम करने के बाद मैं 5 बजे सो गया और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। इट्स 12 इन द आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। शीशे आज धूप की अच्छी खासी, तो मैं सोच रहा हूँ जो एक मेरे को ब्लैंकेट धोना है और कुछ कपड़े धोने हैं 3-4 दिन के, वो मैं तुम्हें डाल दूंगा। अच्छा लगा धूप देख के, अपना काम हो गया। ऐसे हर फ्लोर पे 3 मशीन्स लगी हुई, 2 छोटी 1 बड़ी। यूनिवर्सिटी के कार्ड उसको स्वाइप करो, कॉइन सारे लीटर लगा दो, फिर चालू हो जाती है। यार मेरे को पता नहीं, मेरी कब आग लगी, मैं 3-4 घंटे सो गया। सेट इतने इवनिंग मैं जो काम करने वाला था शाम को मेरे ऐसे ही पड़े रहे। थोड़ा और होश में आके मैं वो सारे काम करूँगा। सूख गया है। इसके साथ जो बैग आई थी वो मैंने इधर संभाल के रखी है, तो कल मैं उसको इसी में डाल दूंगा। तो जस्ट अभी बर्गर खाने के लिए यूनिवर्सिटी के सामने आ गया, अभी सिर्फ बर्गर ही खाऊंगा, लेकिन उसके साथ थोड़ी देर पहले मैंने चाइनीज का दिया, तो चाइनीज को भी नहीं। हो गया अपना पेट। एक्चुअली आज शाम को मेरे सिंजाओ में एक शॉप है, उधर जाके मेरे को कुछ सामान लेना है, लेकिन अभी बंद हो गए होगी, तो अभी तो नहीं जा सकता, तो वो चीज़ मेरे को अभी कल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सब बंद हो गया होगा। अभी सिर्फ 11 बजे, लेकिन इधर 11 बजे के आसपास सब बंद होना शुरू हो गया। दोनों बैग पैक हो चुके हैं, तो इसका वेट करना है। बड़ी वाली बैग का जो टायर खराब था वो मैंने खुद से ठीक किया, तो वो चेक करना है और वेट भी चेक करना है। टॉम से कैंटीन तक लेके आए, टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको वेट करेंगे। ये कैंटीन के नीचे ही वेट करने के लिए मशीन है। फाइव इसमें थोड़ा और भी आएगा, फिर भी ये चल जाएगा। बारह किलो के आसपास, इसमें सिर्फ 12 किलो के आसपास आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सर। पीए सब क्लीन कर रहे हैं, अभी 2 महीने तक रूम में कोई नहीं रहने वाला, तो सारी चीजें क्लीन करके जा रहे हैं। जस्ट अभी वो वाला सिंक क्लीन किया, ये वाला पार्ट क्लीन कर रहा हूँ, और ये वाले दरवाजे मेरे को गांव की फीलिंग देते, क्योंकि गाँव में भी ऐसे ही दरवाजे होते हैं, लाइक प्रॉपर गाँव वाली फीलिंग। दिस इज वेरी नेक्स्ट डे इन गुआंगझोउ। आज रात को 10 बजे के आसपास निकलेंगे, तो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे 11:30-12 बजे। उसके बाद हमारी फ्लाइट है 3 को। इधर से हम पहले जाएंगे मलेशिया कुआलालंपुरम, फिर कुआलालंपुरम से दिल्ली, फिर दिल्ली से अहमदाबाद। अच्छी खासी लंबी जर्नी है और ऑलमोस्ट मेरा 1.5 दिन जर्नी में ही निकलने वाला है। मलेशिया में पहुंचूंगा सुबह 7 बजे उधर के टाइम के। उसके बाद शाम को 6 बजे मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो अच्छा खासा ले ओवर है। उसके बाद दिल्ली में भी अच्छा खासा ले ओवर है, बट स्टिल वेरी एक्साइटेड। उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में इतनी जल्दी उठ के रेडी भी हो गया, जिस अभी कैंटीन खाने जाऊंगा मैं। ये बोरिंग बट टेस्टी मला सांगू लास्ट में, इसके बाद तो अच्छा अच्छा ही खाना मिलेगा। पेपर में मेरा नाम, इंडिया का एड्रेस, चाइना का एड्रेस, और दोनों मेरे फ़ोन नंबर लिख के रख दिए। वो वाली बैग में जगह है कि वाली बैग में, और मतलब वाली बैग में, तो शायद अगर मिसप्लेस हो जाए तो किसी के हाथ में आए, तो एटलीस्ट उसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन रहे। मेरी दिल्ली से अहमदाबाद वाली फ्लाइट का बैग चेक इन हो गया, लेकिन गुड़गांव से मलेशिया, मलेशिया से दिल्ली का अब तक नहीं हो रहा, तो चेक इन उधर जाके ही करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो और थोड़ा जल्दी निकलेंगे टिकट की प्रिंट निकलने के लिए। अभी ये सारी चीज़ों को पैक करके, अभी इसका कुछ काम नहीं है, फिर तो इसके अंदर डाल के रख लूँगा। ये इसमें आ गया, दूसरा भी पड़ा था, उसके अंदर सारे तकिए वगैरह डाल दूंगा, और ये और 2 मैट्रेसेस है, एक इसमें जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। थोड़ी देर पहले जब मैं ये दरवाज़ा खोल रहा था, पूरा हाथ में आ गया था, ये इधर से सारी चीज़ें निकल गई थी, फिर इसको मैंने, वो ड्राइवर तो था नहीं, तो मैंने कैची का जो आगे का पॉइंट होता है उसको निकाल के फिर जोड़ा, फिर से टाइट किया, फिर से सारे कपड़े निकाल के उसको समेट के फिर से रखे क्लीन, ठीक से बंद नहीं हो रहा।
कब से इधर से उधर उधर से इधर हो रहा है, मेरे को ऐसे नहीं पसंद आने वाला। या लास्ट डे विथ यू, एक टी ब्रेक। डन एवरीथिंग, पूरा पसीना पसीना हो गया, मैं तुरंत जाके नहाऊंगा। ओके रेडी, अभी थोड़ा लेट है। इट्स 10:07 और फाइनली मैं भी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। बाकी सब लोग मेट्रो से गए, मेट्रो से थोड़ा एक्टिव हो जाता है इसलिए मैंने कैब प्रीफर की, क्योंकि तीन बैग लेके जाना और तीन टर्मिनल चेंज करने, उससे बेटर मैंने कैब कर ली। कैब में भी पंगे हो रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से कैब नहीं आ रही थी, हम तीन जने एक साथ कैब बुक कर रहे थे उसके बाद कैब आई है। एक मिनट के लिए तो मेरे को ऐसा लग गया ना कैब का ना मेट्रो का, बट चलो अच्छा हो। और ये कैब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, इधर यूएसबी पोर्ट से नीचे भी कर सकते हैं, उधर बॉटल भी रख सकते हैं, और बैठने की जगह भी अच्छी खासी है। लाइट्स मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। भाई फाइनली आ गया अपन आपको शिष्य। हाँ मान लो। हाँ शिष्य शिष्य। ये बहुत ही सही कैब थी, इवन डोर्स भी इलेक्ट्रिक थे, मून बहुत ही सही लग रहा पीछे। दिस इज बेउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब पहले मैं बैग अंदर लेके जाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते। ये वाला पार्ट डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल वो आगे रहा। अपने को जाना है। बाकी लोगों से अभी मेरी बात हुई, वो लोग अभी मेट्रो में 6 स्टेशन दूर है, वो आए तब तक मैं इधर वेट करूंगा, उनके बाद ही मैं चेक इन करूंगा, तब तक मैं ये खाना खाऊंगा। वैसे आधा मैंने गाड़ी में खा लिया, आधा दिखाऊंगा। ये मैंने निकलते निकलते पैक करवा के रखा था, चावल खा लिया, अभी एक बर्गर खाऊंगा, बाकी फ्लाइट में कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना वैसे भी ठीक है, थोड़ा बहुत नाश्ता लिया। मेट्रो स्टेशन नीचे के फ्लोर पे, ये मेट्रो से एग्जिट करके सीधा ऊपर आ जाओ, ऊपर एयरपोर्ट। इवन एयरपोर्ट के अंदर भी कोई भी आ सकता है, जिसके पास टिकट्स नहीं है वो भी आ सकता है। जैसे अपने एयरपोर्ट में नहीं आ सकता, मम्मी लोग आए थे तो उनको बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा नहीं, इधर अंदर छोड़ने भी आ सकते हो। इवन जब तक हम चेक इन कर रहे हैं ना तब तक वो अपने साथ रह सकते हैं, उसके बाद से रास्ते अलग के बाद बोर्डिंग पास चाहिए, जिसके पास बोर्डिंग पास है वही जा सकते हैं। भाई थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गए, प्यास लगी तो थोड़ा पानी पीऊँगा, फिर चेक इन करने जाऊँगा, तो इस लोग को इधर ही खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, नेक्स्ट व्लॉग और भी अच्छा होने वाला है, डोंट मिस। इधर की एक बात बहुत सही लगती है मेरे को, पानी फ्री में मिल जाता है। बेयून मार्केट